नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मेरा नाम नीरज उपाध्याय है, मैं ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो है जागरूकता रैली, आज हम लोगों ने मतदान जागरूकता रैली निकाली है और उसके निकालने का पीछे का केवल मकसद इतना है कि मतदाताओं को जागरूक करना ताकि अधिक से अधिक मतदान का प्रतिशत बढ़े, और जब तक प्रतिशत नहीं बढ़ेगा तब तक मतदान का जो रुझान होगा, जो पार्टी जिस तरीके से लोग वोटिंग करते हैं, एक सही लोगों का चुनाव तभी हो सकता है जब जम करके मतदान करेंगे, और तभी एक हमारे देश को अच्छा शासन मिलेगा, अच्छा प्रशासन मिलेगा और पूरी जनता सुखी होगी। अपने ऐलान तो बहुत अच्छा किया है, मगर आज हालात ऐसे हैं कि जो पूरे लिस्ट लोगों के नाम गायब हैं। जी, घर में पांच लोग हैं जिसमें से चार लोगों का नाम गायब, एक लोग है। ये कैसे जो है आप बाहर निकाल के लाएंगे सामने? ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। निर्वाचन आयोग और तमाम अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इधर उधर करके ये लोगों ने कहा कि हम लोगों ने पीवीपी भिजवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि मृतक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है और जो जिंदा है उसका नाम नहीं है। तो ये कहीं न कहीं मतदान के प्रतिशत को डाउन करेगा और ये बहुत बड़ी प्रशासन की और निर्वाचन की चूक है ये, और इसके लिए जिम्मेदार केवल वो है, मतदाता नहीं है। अब ये है कि मतदाता जा करके अभी भी पीछे जहां भी इलेक्शन हुआ कई जगह पे ये खबरें आई कि लोगों के नाम ही लिस्ट में नहीं थी। अब मतदाता एक तरीके से हम लोग जो जागरूकता रैली निकाल रहे हैं इसके पीछे का इतना मकसद है कि चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे बारिश हो, जैसे भी हो, आप जा करके मतदान करिए, अपने देश को मजबूत बनाइए। अब ऐसे में अगर वोटर का नाम ही नहीं है तो भाई वो क्या कर सकता है, वो कैसे मतदान दे? इसके लिए भी निर्वाचन आयोग को कोई विकल्प निकालना चाहिए। जनता, देश की जनता ठहर फिर बैठी हुई है, कैसे सरकार बन पाएगी इस तरह से? देखिए, देश की जनता ही तो सरकार बनाएगी, और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके लोग मतदान करें, ताकि जो चुनाव होगा, जो लोगों का चुनाव होगा, पार्टियों का चुनाव होगा, सही पार्टी का चयन लोग करेंगे, और जिस पार्टी का सही चयन होगा, जिसे जनता सही चुनेगी, उसी की सरकार बनेगी। ठीक है सर, थैंक यू।